कोटा प्रभारी सचिव राजेश यादव ने संभाग में हुई अतिवृष्टि व उससे हुए नुकसान को लेकर गुरुवार को टैगोर हॉल में सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली तथा इससे हुए नुकसान को लेकर जल्दी किसानों और आमजन को राहत देने की बात कही। उन्होंने चारों जिलों के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बारिश में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलियों को जल्द ठीक कराने के दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सचिव राजेश यादव ने बताया कि गुरुवार को अधिकारियों की टीम 12 व अन्य क्षेत्रों में नुकसान का आंकलन करने पहुंची थी। यादव ने कोटा के वैक्सीनेशन को लेकर तारीफ की। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट जो लगने थे उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में है। अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलता है तो उसके लिए कोटा शहर पूर्णतः तैयार है। बाढ़ और बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मेडिकल कॉलेज प्रचार डॉक्टर विजय सरदाना, CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तवर सहित पुलिस प्रशासन, नगर निगम, UITPW के अधिकारी भी मौजूद रहे। कल चारों जिलों के जो PWD के हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की थी और जो हमारी रोड क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुलिया, CD वर्क्स, उसका रिव्यू किया गया। आज हमारी टीम 12 और दूसरे ज़िलों में भी गई है रोड और इसकी कंडीशन देखने के लिए। एक तो ये संदर्भ था कोटा विजिट का, दूसरा क्योंकि मैं यहाँ प्रभारी सचिव भी हूँ तो उसके इम्पैक्ट और डिस्कशन के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। सारे विभाग से बातचीत हो गई है। कोटा ने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, लगभग 70% पॉपुलेशन जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग 34-35% लोगों का सेकंड वैक्सीनेशन हो चुका है। ऑक्सीजन प्लांट्स जो लगने थे उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि कोटा डिस्ट्रिक्ट इन केस अगर कोई भी इन्फेक्शन की इंसिडेंट आगे अगर होती है तो कोटा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल रेडी है, कोई समस्या नहीं आएगी। अन्य विभाग भी रेडी हैं, एनिमल हस्बेंड्री से जैसे अभी डिस्कशन हुआ, कोऑपरेटिव बैंक ने अपना जो क्रेडिट लिमिट लोन जारी करने होते हैं काश्तकारों को वो जारी कर दिए हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास पर्याप्त दवाएं हैं पशुओं के देखरेख के लिए। वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स, जिला कलेक्टर सभी रेडी हैं। निसंदेह अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में नुकसान बहुत हुआ है, लोगों का मकान बहुत सारे टूटे हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, उसका पूरा असेसमेंट कर लिया है और सहायता जो है जो अभी तुरंत दी जा सकती थी वो जिला कलेक्टर ने सब लोगों को दिलवा दी है। लिस्टें बन चुकी हैं और जो डैमेज हुआ है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, रोड्स का, उसका असेसमेंट करके भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिसास्टर भी देखते हैं, मिस्टर आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको भेज दिए। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही जो इस बारिश के कारण डैमेज हुआ है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस स्टार्ट हो।